अभिनंदन। आज मकर का पर्व है, मकर के पावन पर्व पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि ज्ञात है कि सांसद खेल महोत्सव 17, 18, 19 फरवरी को मेगा स्पोर्ट्स क्लब खेल गांव में संपन्न होने जा रहा है। देश भर के सभी सांसद खेल और खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि गांव टोला पंचायत से भी लोग जो प्रतिभा है वो आगे आए, और प्रतिभा जब आगे आएगी तो उसको राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक पोजीशन मिलेगी। हम देखते हैं कि गांव गांव में कुश्ती, दौड़ने वाले लड़के, अन्य खेल, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, हर जगह गांव में है, लेकिन वो उनका कोई स्थान नहीं बन पाता, मौका नहीं मिलता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि ऐसे लोग, देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, उनको आगे लाने के लिए एक सार्थक प्रयास होना चाहिए। हम सब 135 करोड़ देशवासी चाहते हैं कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में भारत पदक तालिका में आगे बढ़े, किंतु खेल और खिलाड़ी को बढ़ाना होगा। और इसी मुतल्लिक ये खेल महोत्सव जब फरवरी में होने जा रहा है और उसका ब्रोशर और एंट्री फॉर्म रिलीज होगा। हमारे बीच में एक्स ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी रीना हैं, आर्चरी की, तो इनके द्वारा यह रिलीज होगा। आज ये रिलीज, जो फॉर्म रिलीज होगा प्रविष्टि, वो 5 फरवरी तक ये रांची लोकसभा में पड़ने वाले 6 विधानसभा के ही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। और खिलाड़ी नहीं, मेरा तो यह मानना है कि गांव में छुपी हुई जो प्रतिभा है वो मीडिया के माध्यम से जब सूचना जाएगी वो प्रतिभा भी आगे आए। और इसीलिए हर खेल के लिए मैनेजर बने, उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ, लिखा हुआ है सब जगह। हम तीरंदाजी में अगर भाग लेना चाहते हैं तो उनके मैनेजर, उनका फ़ोन नंबर संपर्क करें, और पूरे फॉर्म को सबमिट जब हम करेंगे, हम सब व्यवस्था कर रहे कि सिल्ली और ईचागढ़ से जो खिलाड़ी आएंगे उनके रहने खाने की व्यवस्था रहेगी, किंतु इधर के लोग जितने रहेंगे उनके खाने की व्यवस्था रहेगी, लेकिन रहने के लिए तो वो अपने घर पे रहेंगे और अब खेल कर कर जाएंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्र के मंत्री, खेल मंत्री, युवा मंत्री अनुराग ठाकुर जी को आमंत्रित किया है। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष माननीय पीटी उषा जी को हमने आमंत्रित किया है। अभी एक हफ्ते पहले जब मैं दिल्ली में था तो कोयला मंत्री जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं कैसा प्रोग्राम है। और उसी बीच में हम और अजय मारू जी गए थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के पास में, दी है तो कि हाँ हमको रांची आना है एक दिन के लिए। तो उद्घाटन और समापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी को हम लोग आमंत्रित करेंगे। और यह जो 6 खेल हैं, तीरंदाजी, वुशु, बैडमिंटन, एथलीट्स, कबड्डी और योगासन, और यह 6 खेलों की जो प्रतिभा है वो निश्चित रूप से आगे आए। और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों की खेली जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि एक पहचान, एक प्रतिभा को आगे लाने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। मेरा आज जब रीना यहाँ हैं, आर्चरी की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, और
उस तीन दिन के दौरान झारखंड में जितने भी खिलाड़ी, चाहे वो कॉमनवेल्थ में खेले हो, ओलंपिक में खेले हो, चाहे एशियन गेम में खेले हो, ऐसे लोगों का हमारा प्रयास रहेगा कि तीन दिनों में वो उस खेल में उपस्थित होकर मनोबल बढ़ाएं। आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभा आगे आएगी, उनको देख के आज के बच्चे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको ऊर्जा मिलेगी, मोटिवेशन होगा। तो आज इस मौके पर मेरा आग्रह मधुकांत जी से कि पूरे टेक्निकल पार्ट को एक बार समझा के फिर हम लोग पोस्टर रिलीज कर देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।